आहे आणि त्यासोबत तपास सहकार्य करण्याचे दिलेले आहे. आता ऑर्डर प्रोनाऊन्स झालेली आहे, बाकीची जी कायदेशीर प्रक्रिया अधिकाऱ्यांना काही तपासात सहकार्य करणे या अटी बरोबर शहर सोडण्याआधी किंवा कुठे जाण्याआधी तपास अधिकाऱ्यांना सहकार्य करणे आणि ह्या ज्या अटी शर्ती आहेत त्या अटी शर्ती घातलेल्या आहेत आणि त्याची जी डिटेल्ड ऑर्डर आहे डिटेल्ड ऑर्डर मिळाल्यावरती त्याच्यावरती आपल्याला जास्त बोलता येईल. हिंदी 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 क्या हुआ? 340 354 एप्लीकेबल नहीं है, ये मॉलेस्टेशन का केस नहीं बनता है. ये सब दलीलों पे आर्ग्यूमेंट हुआ, आर्ग्यूमेंट के बाद कोर्ट ने अभी ऑर्डर दिया है, 15,000 का जामीन मंजूर किया है और उनको कंडीशंस डाला हुआ है और कंडीशन का कम्प्लाई होगा और बाकी प्रोसीजरल एस्पेक्ट अभी पेंडिंग है वो होते रहे. आपकी कंडीशन क्या कहा गया कि आपके PhD किया है, उन्होंने बहुत पढ़े लिखे हैं और 3 बार की विधायक ही रहे हैं. जी जी चीज़ें उस दलीलों के बारे में बताइए. जी जी खाली डिटेल आर्ग्यूमेंट हुआ 1.5 घंटे का, तभी तो पूरा डिस्कस नहीं किया जा सकता है. लेकिन वही सब एस्पेक्ट है कि फॉल्स इम्प्लिकेशन है, इन्वेस्टिगेशन जो पार्ट था इन्वेस्टिगेशन पार्ट में ऑल द वाइज जो सहकार्य इनकी तरफ से था वो दिया गया है और बाकी जो एस्पेक्ट है वो एस्पेक्ट कोर्ट ने कंसीडर करते हुए आदेश पारित किया. आज जज की सुनवाई के दौरान आपने जज को वीडियोज भी दिखाई थी, एग्जैक्ट क्या हुई जो वीडियो डिस्प्यूटेड वीडियो जो मीडिया के माध्यम से और कई सोशल मीडिया के माध्यम से जो हर जगह दिखाई दे रहा है वही वीडियो हमें कोर्ट के सामने भी दिखाया गया और दिखाते हुए दिखाया कि उसमें ओवरऑल कोई भी इंटेंशन नहीं है जिस इंटेंशन के बेसिस पे मॉलेस्टेशन का केस बने. सर कंडीशन जामीन आहे, अटी शर्ती अशा आहेत की तपासात सहकार्य करायचं आहे आणि ज्या ज्या रिजनेबल अटी शर्ती ज्या आहेत निर्माण न्यायालयाने ज्या टाकलेल्या अटी शर्ती आहेत त्या डिटेलमध्ये पुढे काय असतील तर डिटेल ऑर्डरमध्ये काय सर आगे किस प्रकार सर आगे सर हिंदी और इंग्लिश मध्ये बता बस कंडीशन क्या थी सर. सेंटर लुक 15,000 का जामीन दिया है और इन्वेस्टिगेशन में कॉपरेट करने के लिए कंडीशन मेरे पास न्यायालय ने दिया हुआ है. सर आगे की लड़ाई किस प्रकार से